रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस बहुत खुश हैं। ऐसा बड़ी मुश्किल से होता है जब वो इतने खुश रहे, और इस खुशी का कारण है उनकी टीम का प्रदर्शन। फाफ डुप्लेसी की टीम ने कमाल का खेल दिखाते हुए राजस्थान रॉयल्स को यादगार हार दी है। राजस्थान की इस हार ने पॉइंट्स टेबल में भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन इन बदलावों के बारे में बताने से पहले आपको फटाफट मैच का हाल बता देते हैं। फाफ डुप्लेसी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। डुप्लेसी और विराट कोहली की जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत की और पावर प्ले में टीम का एक विकेट नहीं गिरने दिया। विराट 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए तो टीम का स्कोर 50 रन था। और फिर तीसरे नंबर पर आए ग्लेन मैक्सवेल ने एक और धमाकेदार पारी खेली। मैक्सवेल ने 33 गेंदों पर 54 रन बनाए। उनकी इस पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। फाफ डुप्लेसी ने भी 50 मारी, उन्होंने 44 गेंदों पर 55 रन बनाए। लास्ट में अनुज रावत ने सिर्फ 11 गेंदों पर 29 रन की पारी खेली। आरसीबी ने 20 ओवर्स में 171 रन बनाए। राजस्थान के लिए एडम जैम्पा और के मासिफ ने 2-2, जबकि संदीप शर्मा ने 1 विकेट लिया। ग्राउंड पर गेंद थोड़ी फंस रही थी और लोगों ने पहले ही कहा था कि राजस्थान के लिए यहां मैच बचाना आसान नहीं होगा, लेकिन ये कम ही लोगों ने सोचा होगा कि आरसीबी के बॉलर्स राजस्थान के साथ ऐसा कर देंगे। आरसीबी के बॉलर्स ने शुरू से ही कमाल दिखाया और राजस्थान के दोनों ओपनर्स को बिना खाता खोले वापस भेज दिया, जबकि कप्तान संजू सैमसन भी सिर्फ 4 रन बना पाए। आरसीबी के बॉलर्स यही नहीं रुके, उन्होंने राजस्थान के किसी बैटर को सेटल ही नहीं होने दिया। शिमरन हेटमायर और जो रूट के अलावा कोई भी राजस्थानी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। हेटमायर ने 35 जबकि रूट ने 10 रन बनाए। राजस्थान की पूरी टीम 59 रन पर सिमट गई। बैंगलोर ने मैच 112 रन से जीत लिया और इस जीत के साथ ही फाफ और विराट की टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ गई है, जबकि राजस्थान वाले अब 6ठे और पंजाब किंग 7वें नंबर पर है। इस जीत से सबसे ज्यादा फायदा बैंगलोर को हुआ है। टीम अब 12 मैच में 12 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अब उनका नेट रन रेट पॉजिटिव 0.166 है। इससे पहले इनका नेट रन रेट नेगेटिव में था, और अगर अब ये अपने बचे दोनों मैच जीत लेते हैं तो इनके कुल पॉइंट 16 हो जाएंगे। इन्हें अब हैदराबाद और गुजरात से खेलना है, जबकि आरसीबी के ऊपर बैठी चारों टीम्स के भी 2-2 मैच बाकी हैं, जिनमें से चेन्नई संडे 14 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स को आगे जाने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना ही होगा, हार के साथ ही उनका सफर थम जाएगा। जबकि राजस्थान का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है, टीम के 13 मैच में 12 पॉइंट्स है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही जा पाएंगे। केकेआर के खिलाफ जीतते ही धोनी की टीम क्वालिफाई कर जाएगी, यानी सिर्फ 3 स्लॉट बचेंगे और राजस्थान रॉयल्स के ऊपर बैठी सीएसके के अलावा भी सारी ही टीम्स 16 या उससे ज्यादा पॉइंट्स बना सकती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।